हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू इनक्रेडिबल व्लॉग। आज हो रहा है मौसम बड़ा ही कातिल, मैंने देख रहा मौसम हो रहा बहुत ही मस्त। तो सोच रहे हैं कहीं चलते हैं और आपको एक नई लोकेशन दिखाते हैं जयपुर की। चलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं कृष्णराज के घर पे। मैंने सोचा इसको भी ले चलते हैं साथ में, अच्छा मौसम हो रहा है, दोनों मिलके मजे करते हैं। उजाले में पूरा जाम मत लग रहा है। जाम मत करे ऐसे। फुल कर दो, फुल ब्लॉगर हो तो बाल हमेशा छोटे रखना, क्योंकि जब भी आप अगर बाइक ब्लॉगर हो तो, क्योंकि जब भी आप बाइक पे आते हो हेलमेट लगाते हो ना, तो एकदम चंपू लगते हो आप। तो जैसा कि तू लग रहा है अभी, अगर बाइक ब्लॉगर हो आप तो आपको बाल कटाने पड़ेंगे इसकी जैसे। क्योंकि यहाँ पे इसको ही बोलते हैं गेटों की छतरियाँ। अंदर से आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि क्या है अंदर और क्या नहीं है, आपको पूरा दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाया तो पढ़ना। ये जो है ये गेटोर की जो छतरियां हैं, ये इसके लिए एंट्रेंस इधर से है। कोरोना के टाइम की वजह से अभी गढ़ गणेश मंदिर बंद है, इस वजह से अपन उधर नहीं जा रहे हैं। वो अपन कवर करेंगे अगले व्लॉग में पक्का करेंगे। ये सीधी सीढ़ियां जा रही है वहाँ पे और जा करके वहाँ पे जो है वो गढ़ गणेश। Thank you.
तो गाइस तो आ चुके हैं हम गेटोर की छत्रियों पे और टिकट लगाया हमारे यहाँ पर 20 रुपए का, तो टोटल 40 रुपए लग चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है तो उसके 30 रुपए लगते हैं, लेकिन अपन इंडियन है और ये जगह भी इंडियन है तो यहाँ पे अपने 20 रुपए लगते हैं। यहाँ की जो छत्रियाँ हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ की छत्रियाँ एक राजा महाराजा के सुविनियर होता है कि मतलब जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके बाद में उनके लिए एक सुविनियर बनाया जाता है। तो राजा जय सिंह से लेके भवानी सिंह जी तक यहाँ पर सारी उनके लिए सब छत्रियाँ बनाई गई है, मतलब आपको मजा आ जाएगा यहाँ पे अगर आ गए तो। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना शानदार बना हुआ है, हर एक चीज मार्बल की, फ्लोर को अगर अपन छोड़ दें तो हर एक चीज मार्बल की बनी हुई। आप सिनेमेटिक शॉट देखोगे अभी तो यहाँ का पूरा हमने एक सिनेमेटिक शॉट बनाया है। और इतना पीसफुल है यहाँ का एनवायरनमेंट, कसम से बोल रहा हूँ मजा आ गया। चारों तरफ यहाँ पर माउंटेन माउंटेन और बीच में है ये गेटोर की छतरी। इसके जस्ट पास में गढ़ गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी का जस्ट मंदिर ऊपर ही है। माहौल जो है यहाँ का वो थोड़ा सा सेफ रहे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल माहौल रहे, तो उसके लिए गढ़ गणेश जी का मंदिर बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ के लिए। और बस हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सब थोड़ी बारिश और गिर जाए तो एकदम माहौल पूरा सेट हो जाए। वैसे मौसम आज बहुत शानदार था, मौसम की वजह से ही आज हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए। गजब की शांति है यहाँ पे, गजब की शांति है यार, शायद यहाँ पे शांति आके गई होगी एक बार पर। और आपको बता दें ये हमारी जयपुर की प्लेलिस्ट चालू हो चुकी है, जयपुर में एक्सप्लोर कर पाए उतना जयपुर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं कि इसी ब्लॉग में पूरा कंप्लीट कर देंगे, एक एक चीज दिखाएंगे आपको, एक एक चीज। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जयपुर की प्लेलिस्ट होने वाली है ना, इसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एज ए स्पोर्ट्स की तरह लेकर के जाऊँ। आगे की ब्लॉगिंग करूंगा मैं, साइकिलिंग से करूंगा, अभी आपको थोड़े बहुत योगा पोज भी हम दिखाएंगे कि हमने योगा करे यहाँ पे, वो हम पूरा स्पोर्ट्स का रखेंगे ताकि एक फिटनेस फ्रिकनेस भी आए वीडियो के अंदर। प्लेलिस्ट ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन दो दिन में बन जाएगी, है धीरे धीरे बनेगी ये, एक पूरा आपको हमारे जो चैनल है उस पर आपको साइड में दिखेगा कि जयपुर प्लेलिस्ट, आपको जयपुर के बारे में हर एक चीज बताएंगे, हर खाने से लेकर घूमने से लेकर जंतर मंतर, जयगढ़ नारगढ़ सब कुछ दिखाएंगे आपको, जयपुर का खाना वाना सब। बट कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी छुपी हुई लोगों की नजरों से, वो हम चाहते हैं कि लोग देखें जयपुर के बारे। और अब हम आगे जाएंगे, ले चल आगे वहाँ व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या तू मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है? पे आए हैं ब्रह्मपुरी गेटों के छतरियों पे और यहाँ पर।
लगा ले और चश्मा तो मैं भी लगाऊंगा यार वैसे। और साथ में हम दोनों को क्या इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो इसकी इंस्टाग्राम आईडी ये आ रही है और मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये आ रही है। और हम गारंटी लेते हैं आप अगर जयपुर से वो भी होंगे ना तो भी आप उस जगह नहीं जाओगे जहाँ हम जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। मजा इसीलिए अगर आपको पूरा सारी प्लेलिस्ट देखनी है तो सब्सक्राइब टू इनफिटेबल ब्लॉग, तब आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे। और प्लीज कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब आप कमेंट करते हो ना तो लगता है कि हाँ आपने वीडियो देखा है और पूरी अच्छी तरीके से देखा है। कि आपको जयपुर की अब नेक्स्ट लोकेशन कौन सी चीज़ जिसको हम पूरा एक्सप्लोर करें। और हाथ दुखने लग गया मेरा।